नमस्ते, वेलकम टू क्रिएटिव स्पेस। घर घर एक कैनवस की तरह है। जिस तरह से हम कैनवस में कलर भर के एक सुंदर सी पेंटिंग बनाते हैं, उसी तरह से घर में हम कलर्स भर के और कुछ चीज़ों को ऐड करके अपने घर को खूबसूरत बनाते हैं। घर चाहे रेंटेड हो चाहे अपना हो, घर तो घर है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ये मेरा रेंटेड अपार्टमेंट है, लेकिन मैंने इसे अपने हाथों से सजा के इस घर को खूबसूरत बनाया है, जो कि आप हर वीडियो में देखेंगे। तो आज का मेरा जो वीडियो है, मेरा लिविंग रूम पर है, क्योंकि फेस्टिवल आ रहा है तो जायज़ सी बात है कि मैं भी अपने घर को फेस्टिवल लुक दूंगी। तो आपने मेरा लिविंग मेकओवर वीडियो देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। उसमें ब्लू और वाइट का थीम है, तो फेस्टिवल आ रहा है तो इसमें मैंने कुछ चीज़ों को ऐड करके अपने लिविंग रूम को फेस्टिव लुक दिया है। इसमें कुछ ट्रिक्स भी हैं और DIY भी है, जो कि आपके काफ़ी काम आ सकते हैं। तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा और बताइएगा वो आपको ट्रिक्स और DIY कैसे लगे कमेंट्स करके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मोर अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन बटन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये सेंटर टेबल, इस सेंटर टेबल को एक फेस्टिवल लुक देते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे ये रनर यूज़ कर रही हूँ, जिसमें एक तरफ प्रिंट है और एक तरफ प्लेन है। मैं प्लेन वाला एरिया यूज़ करूँगी, जिससे इस पर जो भी चीज़ रखें वो ज़्यादा हाईलाइट करें। ये मिरर यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ, जो कि ये वॉल पे हैंग करने वाला है। तो ट्रिक ये है कि मैं इसको एज अ ट्रे यूज़ करूँगी। कैंडल होल्डर के लिए मैं यहाँ पे ये ग्लास यूज़ कर रही हूँ। इसमें मैंने ये शेल्स डाले हुए हैं और इसको मैं ग्लास ट्रे पे प्लेस करूँगी। यहाँ पे मैं ग्लासेस डिफरेंट डिफरेंट साइज के लूँगी, जिससे वो देखने में अच्छा लगे। ब्रास का चिराग ये मैंने लोकल शॉप से परचेज किया था, बुद्धा का स्टैचू यहाँ पे प्लेस कर रही हूँ। ब्रास का ये दिया, शंख जो कि वाइट है, क्योंकि मेरा ब्लू और व्हाइट का थीम है, तो मैं व्हाइट में कैसे भूल सकती हूँ। ये यहाँ पे कैंडल होल्डर, इसमें मैंने स्ट्रिंग लाइट डाली है जो कि बैटरी ऑपरेटेड है। ये मैंने अमेजोन से परचेज की थी, इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी। यहाँ पे ये रिमोट्स मैं प्लेस कर रही हूँ, क्योंकि टीवी है तो रिमोट तो चाहिए ही। चलिए अब कुछ DIY करते हैं। ये मेरे कुशन्स हैं, कुशन्स कवर, ये बहुत पुराने हैं। पहले मैं इन्हें प्लेन ही यूज़ करती थी, अब क्योंकि ये देख देख के बोर हो गई, तो इसको कुछ डिफरेंट लुक देने के लिए मैंने क्या किया, ये पैचेस हैं, इनको मैंने फैब्रिक ग्लू से इसके ऊपर चिपका दिया। तो ये लुक वाइज देखिए एकदम चेंज हो गए और फेस्टिव लुक भी आ गया। ये पैचेस एक्चुअली आपको लोकल शॉप में जहाँ पे लेस और गोटा मिलते हैं वहाँ इजिली आपको मिल जाएंगे। अगर आपके पास भी ऐसे प्लेन कुशन्स कवर हो तो इस तरह से आप पैचेस लगाइए और देखिए बिल्कुल लुक चेंज हो जाएगा और फेस्टिव लुक भी आ जाएगा। देखिए लग रहे हैं ना सुंदर, चेंज हो गए ना कुशन कवर। यहाँ पे मैंने ये मरून कारपेट यूज किया है, ये एक्चुअली मेरी मदर इन लॉ ने दिया है। ये बहुत पुराना है, जब मेरे हस्बैंड बचपन में अपने पेरेंट्स के साथ मनाली घूमने गए थे वहाँ से परचेज किया था। मैं जनरली इसको फेस्टिव और विंटर में यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी फ्लोर एरिया कवर करता है।
और लुक वाइज भी अच्छा लगता है, तो है ना अच्छा। और आज भी देखिए इसकी चमक बनी हुई है। फ्लो कैंडल होल्डर, ये DIY है, इसका वीडियो मैंने अपने चैनल पे शेयर किया है कि कैसे बनाया है, और मैं लिंक में भी शेयर कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। यहाँ पे ये मैंने टेबल यूज की है, ये अमेजोन से परचेज की है। यहाँ पे ये मैंने बुद्धा प्लेस किए हैं, ये टेराकोटा के हैं जिनको मैंने खुद पेंट किया है, और ये टू प्लांट्स, विदाउट प्लांट्स मेरा डेकोरेशन तो इनकम्प्लीट है। ये कुशंस का वर्क, अब इसका DIY मैंने आपसे शेयर किया है कि पुराने कुशंस कवर्स को कैसे न्यू लुक दिया जाए। पेंटिंग, इसका थीम है किनारा। मैं जनरली पेंटिंग टेक्सचर्स यूज करती हूँ अपनी पेंटिंग्स में। लैम्प शेड्स, जिसको मैंने खुद पेंट किया है और ये भी एक फेस्टिव लुक दे रहा है। अगेन माय प्लांट्स, यहाँ पे मैंने फोन प्लेस किया है। मैंने यहाँ पे सोफा कवर मरून यूज किया है क्योंकि फेस्टिव लुक में वार्म कलर ज्यादा अच्छे लगते हैं। ये देखिए फाइनल मेरा सेंटर टेबल का लुक, मैंने यहाँ पे कैंडल्स जलाई हुई है, ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ग्लास में। तो ये देखिए आपके बजट में ग्लास कैंडल होल्डर भी रेडी हैं, और ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, ब्रास का ये गोल्डन और ये लाइट सब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने टीवी कैबिनेट में भी ये स्ट्रिंग लाइट्स यूज़ की हैं जो कि बैटरी ऑपरेटेड हैं, जिससे उसके अंदर की रखी चीज़ें हाईलाइट करें और अच्छा भी लगे। कर्टन्स मैंने यहाँ पे चेंज किए हैं, ये कर्टन्स मेरे पास पहले से थे क्योंकि यहाँ की डेकोर के साथ अच्छे से जा रहे थे, तो मैंने यहाँ पे ये चेंज किए हैं, तो इससे लुक ही चेंज हो गया। अगेन पेंटिंग, इसका टॉपिक है मास्क, इसी भी टेक्सचर पेंटिंग है। यहाँ पे ये मैंने उल्री रखी है, ये टेराकोटा की है जिसको मैंने पेंट किया है, और ये मेरे छोटे से बगीचे के फूल को मैंने यहाँ पे यूज किया है। तो ये है फाइनल लुक, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा।